राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पर विचार करने के जरा भी मिजाज में नहीं लग रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 की हार के बाद पार्टी को दे दिया है ये सुझाव कि अब जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का आप कर लीजिए चुनाव। राहुल गांधी ने पार्टी को साफ कह दिया है कि अब आपको नया अध्यक्ष चुनना ही पड़ेगा। लेकिन इन सबसे हटकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अध्यक्ष पद को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये किया है कि अब पार्टी में कुछ नया होगा। सचिन पायलट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की हार का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे, बूथ लेवल तक का डाटा इकट्ठा करेंगे। देश में जिस तरह के परिणाम आए हैं चिंता का विषय है, हार की अंदर खाने तक तहकीकात की जाएगी, रोड मैप हम तैयार करेंगे, कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे। एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर तमाम तरह के कयास और कयासों के दौर के बीच सचिन पायलट का ये बड़ा ऐलान कि पार्टी में बदलाव तो होंगे, लेकिन वो बदलाव अध्यक्ष पद पर नहीं बल्कि पार्टी के अंदरूनी खेमे की कमियों पर होंगे। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।